योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगी है। साथ ही सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था की गई है, जिससे बच्चों को समय से भोजन मिल सके। मिड डे मील में बच्चों को हर दिन बदल बदल कर भोजन दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस के मुरसान ब्लॉक के गांव नगला बिहारी के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गुणवत्ता विहीन खाना परोसा जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहे इन बच्चों ने खाने की गुणवत्ता ठीक न होने पर खाना खाने से इनकार कर दिया है। साथ ही बच्चों ने बताया है कि खाने में कीड़े निकलते हैं और खाने में हर रोज चावल ही परोसा जाता है। बेटा क्या नाम है आपका? प्रेस्टी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। जो खाना आता है कैसा आता है जी? खराब रात का रखा हुआ आता है। एक ही तरह का खाना आता है टोटली? हाँ। मेनू के हिसाब से कोई खाना नहीं आता है? नहीं। आप इसलिए खाना की हड़ताल कर रखी है आप बच्चों ने आज? हाँ। नाम आपका? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कंपोजिटिव स्कूल कचरा। जो खाना आता है कैसा आता है? इसमें बहुत गंदगी आती है। क्या खाना खाते हो या नहीं? नहीं। घर से लेके आते हो? घर पे खाने जाते हैं। क्या नाम है? मीनाक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। जो खाना आता है कैसा आता है? उसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। तो एक जैसा ही खाना आता है टोटली? हाँ। तो इसको लेकर आपने हड़ताल की है खाने को लेकर? हाथरस में सरकारी प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में दोपहर का भोजन बच्चों को बांटने के लिए मिड डे मील का ठेका एक एनजीओ ग्रामीण विकास सेवा संस्थान को दिया गया है, लेकिन ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के द्वारा मेन्यू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और खाने की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर अध्यापकों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सर खाने की हमने कई बार शिकायतें की हैं इसकी, और फिर भी ऐसा एक ही तरह का एक ही मेनू का खाना आता है और ये काफ़ी रखा हुआ भी होता है, इसके लिए हम शिकायतें भी करते हैं इसकी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर इन पर हुई नहीं है अभी तक। तो इसलिए बच्चों ने आज स्कूल में खाने से हड़ताल कर रखी है क्या? जी जी सर, बच्चे खाना ही नहीं खाना चाहते, इस तरीके का खराब खाना आ रहा तो बच्चा कैसे खाएंगे, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर। कितने बच्चों का स्कूल में खाना आता है पर डेली? ये लगभग आपके 81 बच्चे हैं, 81 बच्चे हैं का खाना आता है, लेकिन बच्चों का खाना इतना ख़राब है कि बच्चे खाने से। एनजीओ द्वारा खाना ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते, ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते। क्या रोज़ खाना मेनू के हिसाब से आता है या एक सा खाना आता है? मेनू के अनुसार खाना एनजीओ के नियर में कह सकते हैं कि वो मेनू के हिसाब से लाते हैं, लेकिन जैसे दाल चावल अलग अलग लाने चाहिए, वो दाल चावल अलग ना हो करके मिला के लेके आते हैं तो बच्चों को तैरी नहीं आती है। सब्जी चावल जिस दिन बनते हैं तो सब्जी चावल भी मिला के लाते हैं, वो भी तैरी नहीं आती है। वहीं इस मामले को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि उनके संज्ञान में मामला नहीं था, इस मामले की जाँच कर दोषियों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि मुझे अभी आपके द्वारा इस प्रकरण का पता चला है और मुझे मैंने बीओ साहब और एमडीएम डीसी कम्युनिटी डीसी एमडीएम है उसको वो लेटर बनवा दिया है और इसके लिए उनसे जो एनजीओ है संबंधित एनजीओ से मांगा गया है कि इसके बारे में वो अपना एक रिपोर्ट दें, और अगर रिपोर्ट में अगर मैं एमडीए जो संबंधित बीओ हैं उनसे भी इसकी सत्य पता संबंधित अधिकारी मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि खराब खाना खाने से बच्चे बीमार होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर दोषियों पर समय रहते कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? शिकायत के बाद भी अधिकारी कुंभकर्णी नींद में क्यों सोए हैं? फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में दोषियों पर जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए हाथरस से होमेश कुमार की रिपोर्ट।